वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई और आरबीआई के जितने भी कार्य हैं वो सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और सारे कार्यों को मैं एक एक करके थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेट करूँगा ताकि आप नए एग्जाम्पल्स के साथ आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और मेंस के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आरबीआई उसके कार्य लिखा हुआ है सीजीपीएससी मेंस में, और प्री में तो आते ही आते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग ऐसा करेंगे कि जो जो चीज़ें एग्ज़ाम से एकदम रिलेटेड हैं, मतलब कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उन चीज़ों को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा क्योंकि बैंकिंग का जो पोर्शन है, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती है सीजीपीएससी में भी, और जो पीएससी जितने भी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो परिचय मेरा देख लेंगे आप लोग, और लेक्चर को शुरू से देखने के लिए क्या करना है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, क्लिक करें और शुरू से देखें। 13 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये 14 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आरबीआई और उसके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई की थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें से, हिस्ट्री से सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई कौन से एक्ट से बना है ऐसा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत ही आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई, और आरबीआई कार्य करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ने, ठीक है। आरबीआई ने कब से काम करना शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 से। और ये जो आरबीआई है, ये जो आरबीआई है रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण मतलब भारत सरकार को क्या कर दिया गया, दे दिया गया आरबीआई को, क्योंकि 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया, तो इसीलिए क्या हुआ, आरबीआई को गवर्नमेंट को सौंप दिया गया भारत सरकार को। तो सबसे पहले जो गवर्नर का नाम था वो था ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ये नाम है। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है कौन, आरबीआई, हमारे देश का, यानी कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक यदि पूछा जाए कौन है तो आरबीआई है, और प्रत्येक देश में एक उनका केंद्रीय बैंक होता ही है, ठीक है, जो सभी बैंकों का क्या होता है, बैंक होता है। तो आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और अच्छे से। इसमें एक गवर्नर होता है, मुख्य अधिकारी जो होता है पूरे आरबीआई का, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और वित्त मंत्रालय द्वारा एक सरकारी अधिकारी होता है इसमें, ठीक है। आपको क्या बताना है, गवर्नर का नाम बताना है कि अभी गवर्नर कौन है। तो ऐसे ही हर एक दो स्लाइड में एक एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, उसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आगे चलते हैं, आरबीआई के कार्य देख लेते हैं। तो करीब 7-8 कार्य हैं, तो सबसे पहले ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक, उसके बाद एक एक कार्य पे हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है मुद्रा निर्गमन तथा मुद्रा का भंडारण। दूसरा है बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के बैंकर का कार्य करना। उसके बाद है सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है। फिर मुद्रा का नियमन, मतलब मुद्रा बाजार का नियमन। उसके बाद है विदेशी विनिमय बाजार का नियमन। उसके बाद है मौद्रिक एवं वित्तीय तथ्यों का संग्रहण तथा प्रकाशन। उसके बाद है वित्त प्रणाली का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करना, विकास की मुख्य धारा से वंचित सामाजिक समूहों उत्पादन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम बनाना। उसके बाद है 10वां नंबर है नो फ्रेल अकाउंट्स, ओम्स बट्समन एंड लीड बैंकिंग। तो इसको मैं आपको बताऊँगा ओम्स बट्समन है क्या चीज़, मतलब इसको ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा, ठीक है, बस बताऊँगा कि ओम्स बट्समन को आरबीआई ने क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है सभी बैंक्स के लिए। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं मुद्रा का निर्गमन एवं मुद्रण। तो मुद्रा का सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई कौन कौन से नोट्स को प्रिंट करता है। तो आरबीआई क्या करता है कि 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट को प्रिंट करता है, और 2 रुपये से लेकर 2000 तक के जितने भी सिक्के आएंगे या आ चुके हैं उन सभी को ढालने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, और उसमें जो भी हस्ताक्षर होगा वो गवर्नर का होगा, आरबीआई गवर्नर का। तो कितने रुपए से लेकर, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट में साइन किसका होगा, गवर्नर का होगा, और जारी कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। उसके बाद अब सरकार क्या करती है, सरकार 2 रुपए से कम के नोट जितने भी हैं, 2 रुपए से कम के नोट मतलब 1 रुपये, 50 पैसे, ये सारे जितने भी नोट होंगे उसको जारी करेगा सरकार, और ढालने का काम भी सरकार करेगा, और इस पे जो साइन होगा वो होगा वित्त मंत्री का साइन होगा,
मतलब 2 रुपए से कम के जितने भी नोट्स हैं, सिक्के हैं, वो सारे को जारी करने का काम, प्रिंट करने का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। और 2 रुपए से ज़्यादा जितना भी करेंसी है हमारे देश में, उन सभी का प्रिंटिंग और जारी करने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। और वितरण की बात करते हैं तो वितरण जो है, चाहे कोई भी प्रिंट करे, चाहे सरकार प्रिंट करे, चाहे आरबीआई प्रिंट करे, उसका वितरण का काम किसका रहेगा? आरबीआई का रहेगा हमेशा। हमेशा मतलब अभी तो यही है, बाद में अब पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इसी में घुमाएगा, ठीक है, कि वितरण कौन करता है 2 रुपए से कम के सिक्के का? तो आरबीआई करता है, याद रखना है, ठीक है। 2 रुपए से अधिक का वितरण कौन करता है? आरबीआई करता है। और मुद्रण यदि पूछेगा, यानी कि प्रिंटिंग या फिर जारी कौन करता है, प्रिंट कौन करता है, ये 3 वर्ड जो हैं, ये वितरण, प्रिंटिंग और जारी कौन करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी इन 3 में से घुमाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मुद्रा का मुद्रण प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है इंडिया का। भारत सरकार का जितना भी करेंसी प्रिंटिंग है, सिक्के ढालने वाले जो प्रेस हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, तो उस चीज़ को आपको बताना है। पूरे देश को जोन में बांटा गया है ताकि सभी स्टेट्स के आसपास ही कहीं ना कहीं करेंसी जो है प्रिंट हो, ताकि जल्द से जल्द करेंसी को वहाँ राज्य में, जिले में ज़्यादा ज़रूरत हो, कम हो रहा हो, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से सिटीज़ में है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आरबीआई को पता कैसे चलता है कि मतलब कितना नोट है हमारे देश में, कितना करेंसी का सर्कुलेशन है हमारे देश में। उसके लिए आरबीआई के पास एक उपकरण होता है, परिमाणात्मक उपकरण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटिटेटिव टूल्स मेजरिंग ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो परिमाणात्मक यानी कि परिमाण नापता है, क्वांटिटी नापता है कि कितना सर्कुलेशन में नोट्स हैं अभी इंडिया में। तो उसके लिए जो टूल्स हैं, तो हम लोग एक एक करके टूल्स को देखेंगे। और ये टूल्स की मदद से क्या करता है, गणना करती है आरबीआई, तो बताया मैंने। और तरलता को संतुलित रखा जाता है। तरलता मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक से हम लोग समझ जाएँ कि जितने भी करेंसी हैं, मतलब डिजिटल करेंसी हो या बैंक के पास जितना भी हमारा करेंसी है, मतलब जैसे मेरा जैसे अकाउंट है, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में तो पैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो उस अकाउंट से मेरे कैश में आने में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब मेरा अकाउंट मान के चलिए सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट से क्या हुआ, मैंने ATM लगाया और ATM मशीन में ATM लगाया और पैसा मुझे जितना चाहिए था मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, कभी भी ATM लगाऊंगा और पैसे निकाल सकता हूं। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मनी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो गया कि मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ये जो सर्विस हो गया अधिक तरल हो गया। तरलता मतलब हो गया कि ऐसी सुविधाएं जिससे जो करेंसी है उसको कैश में तुरंत ही तब्दील कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में भी नीचे मैं लिखूंगा, उस चीज़ को भी पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये है लिक्विडिटी मीन्स हाउ क्विकली यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन योर कैश, मतलब आपका अपना जो पैसा है आप कितनी जल्दी पा लें, ठीक है, बिना किसी कठिनाई के, तो उस चीज़ को बोलेंगे तरलता, ठीक है, सिंपलर टर्म्स में। और लिक्विडिटी गेट योर मनी वेन एवर यू नीड इट, ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो जितना जल्दी हो सके निकल जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुद्रा निर्गमन को नापने के लिए जो परिमाणात्मक उपकरण है उसके नाम है आरक्षित वित्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व मनी। और अब से आपको क्या करना है, इसके नाम जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें इंग्लिश के जितने भी नाम्स हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट बहुत कम किए गए हैं ना, तो कोशिश करें कि इंग्लिश में नाम याद रखें और उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, जैसे कि रिजर्व मनी को मैंने किया आरक्षित वित्त में, ठीक है, तो वैसे ही। दूसरा है ब्रॉड मनी यानी कि व्यापक मुद्रा। तीसरा है संकुचित धन यानी कि नैरो मनी। उसके बाद ये उसी के फॉर्मूले हैं, ठीक है, कि M0 किसका हो गया, आरक्षित वित्त का हो गया, M1 किसका हो गया, नैरो मनी का हो गया, M2 किसका हो गया, M3 किसका हो गया, M4 ऐसे। तो अभी एक एक करके मैं सारा फार्मूला बताऊंगा। ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें ये पूछ देता है कि M0 क्या होता है, ठीक है, M0 का फार्मूला क्या है, ठीक है, M0 होता क्या है, या तो फिर तरलता के अकॉर्डिंग ये चारों जो फार्मूले हैं M0, M1, M2, M3, M4 इसके हिसाब से जमाना है कि सबसे ज़्यादा तरल कौन है। तरल तो मैंने बताया कि जितना ईजिली तरीके से कैश में क्या हो जाए, तब्दील हो जाए हमारा पैसा, ठीक है। तो ये है, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। रिजर्व मनी देखते हैं कि M0 जिसको कहते हैं कि M0 है क्या चीज़, मतलब M0 के फार्मूला में क्या है। तो M0 को फार्मूला में सबसे पहला जो भाग है वो है करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब करेंसी कितना मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल लिया है 10,000,
वह दूसरा जो भाग है वो है बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई मतलब सीआरआर, जो मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, कैश रिजर्व रेशियो। उसमें आरबीआई क्या करती थी, 4% सभी बैंक से पैसे क्या करती थी, रिजर्व में रखवा लेती थी अपने पास, ताकि जब कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे बैंक ठप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या करें, उस 4% का यूज़ करके जो भी कंज्यूमर थे उनको क्या किया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए। ठीक है, तो वो सारा पैसा क्या होगा, ये हो गया सीआरआर। तो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वीडियो को जरूर देखें, क्या करें और समझ लें कि सीआरआर क्या है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अदर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो और भी कोई दूसरा तरीका, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीआरआर हो, और भी यदि कोई डिपॉजिट करता है बैंक या संस्थाएँ, तो वो सारा पैसा क्या हो, ये एम ज़ीरो के अंतर्गत आता है। तो फार्मूला पूछता है कि एम ज़ीरो इज इक्वल टू क्या है, तो क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है, तो ये हुए, इसका टोटल हो जाएगा 16,000 और ये क्या कहलाएगा, रिजर्व मनी कहलाएगा, यानी कि एम ज़ीरो। तो ऐसे ही फार्मूला है, चारों काफ़ी इजी है, टफ नहीं है, एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। और ये लाइन गलत है, इस चीज़ को मत देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नैरो मनी। तो नैरो मनी का जो फार्मूला है वो है क्या है, M1 कहते हैं उसको। तो देखते हैं कि नैरो मनी में क्या क्या चीज़ है। तो नैरो मनी में है करेंसी इन जनता और पॉपुलेशन। ठीक है, तो लोगों के पास कितना पैसा है अभी, यानी कि ये भी सर्कुलेशन में ही है, मान लीजिए आप लोग करेंसी इन सर्कुलेशन यदि फार्मूला में लिखा होगा तो वो भी सही है। ठीक है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन लिख लीजिएगा इसको, या फिर करेंसी जनता भी लिखिएगा, चलेगा। ठीक है, और दूसरा इसका भाग है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि जैसे सेविंग अकाउंट में जितने पैसे रखे हुए हैं सारे पूरे देश में, और करंट अकाउंट में जितने पैसे रखे हुए हैं सारे देश में, तो वो सारा पैसा ये हो गया, मान के चलिए 4,000। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन और करेंसी इन जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू, तो ये दोनों कितने, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नैरो मनी, यानी कि M1। तो M1 का आंकड़ा आ गया RBI के पास। उसके बाद तीसरा यूज़ करेगा ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी यानी कि M3। ठीक है, तो M0 हो गया ये, M1 हो गया ये, लेकिन ब्रॉड मनी M3 है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस देखिएगा। तो ब्रॉड मनी M3 क्या होता है, इसके फॉर्मूले में क्या है, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। तो नैरो मनी में क्या था, मतलब नैरो मनी M1 क्या है, नैरो मनी है, नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट क्या है, जैसे रिकरिंग अकाउंट में पैसा हम लोग जमा करते हैं, आवर्ती जमा करते हैं, कि जैसे 3 महीने में कोई व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है, उसके बाद एक सर्टन टाइम के बाद वो पैसा निकलेगा, उससे पहले नहीं निकाल सकता। और दूसरा एक है फिक्स डिपॉजिट, कि 5 साल तक 5,000 रुपये किसी ने जमा करके रख दिया, तो वो कब निकलेगा पैसा, सिर्फ 5 साल के बाद। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट क्या हो जाएगा, ब्रॉड मनी। तो M1 कितना था, 9,000, और टाइम डिपॉजिट मान के चलिए 10,000 है, तो टोटल कितने हुए, 19,000। तो ये तीसरा टूल था RBI का। ठीक है, ब्रॉड मनी, तो ऐसे करके कैलकुलेट करता है RBI। उसके बाद चौथा नंबर है M2। तो M2 का कोई नाम नहीं है, M2 बस ऐसे याद रखिएगा। तो M2 का जो फार्मूला है उसमें है M1 प्लस M1 यानी कि नैरो मनी प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, M1 के साथ यानी कि नैरो मनी के साथ, क्योंकि पोस्ट सारे बैंक तो आ गए थे लेकिन पोस्ट ऑफिस नहीं आया था, तो पोस्ट ऑफिस को भी जोड़ना जरूरी था। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स को जब नैरो मनी के साथ जोड़ देंगे यानी कि M1 के साथ, तो ये आ जाएगा M2। तो ये उदाहरण है, 9,000 मान के चलिए नैरो मनी था, तो 5,000 पोस्ट ऑफिस के सेविंग में था, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 14,000। उसके बाद है पाँचवा नंबर है उसके बाद है M4। तो M4 में क्या होता है, M3 यानी कि ब्रॉड मनी प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल, पोस्ट ऑफिस में जितने भी प्रकार के अकाउंट होते हैं, हाँ पोस्ट ऑफिस में जितने भी प्रकार के अकाउंट होते हैं उन सभी का टोटल। ठीक है, और M3, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, M4 का क्या हो जाएगा, सारा पैसा निकल जाएगा। मतलब M4 का जब फॉर्मूला कंप्लीट होगा, और ये एग्जांपल है, 9,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 29,000। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो टाइम डिपॉजिट होता है यानी कि करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट वाला जो अकाउंट होता है, उसमें जो भी डिपॉजिट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा डिमांड डिपॉजिट से। मतलब सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे उससे हमेशा ज़्यादा होगा, कौन वाले अकाउंट वाले पैसे, एक तो रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट यानी कि टाइम डिपॉजिट वाले। ठीक है, ज़्यादा होंगे। तो ये हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मैंने शुरू में ही बताया कि फार्मूला पूछेगा कि M2 क्या है, M3 क्या है।
दूसरा पूछेगा इसमें कि लिक्विडिटी के आधार पर यानी कि तरलता के आधार पर सीक्वेंस में जमाइए कि ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी और नैरो मनी। तो बोल देगा कि सबसे हाईएस्ट तरल कौन होता है। तरल मतलब बताया मैंने कि मतलब जो कैश में ईजिली कैश में वो मनी जो ईजिली कैश में क्या हो जाए और कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, मतलब लेट ना हो, तो ये बताया मैंने। तो उसके हिसाब से क्या बोलेगा कि जमाइए कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा तरल कौन है। तो एक मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तरल होता है वो होता है नैरो मनी होता है। अब नैरो मनी में क्यों होता है सबसे तरल, तो नैरो मनी यानी कि लोगों के पास यानी कि सर्कुलेशन में है जो पैसा, जो लोगों के पास है पैसा, ठीक है, चाहे कैश के रूप में हो, ठीक है, तो वो होता है। दूसरा होता है नैरो मनी में क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट में पैसा होता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा है और कैश वगैरह में जो पैसा है, तो वो सारा मिला के क्या हो जाता है, नैरो मनी होता है। तो नैरो मनी इसलिए तरल होता है बहुत, क्योंकि ईजिली मेरे पास, मैं कभी भी जाके अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूँ बगैर किसी को पूछे, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ATM में गए सीधे पैसा निकाल दिए, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। तो अब आपको क्या बताना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कमेंट करना है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होता है, M3 होता है, M2 होता है, M1 होता है, कोई भी, तो वो सारा आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना है, ठीक है। नहीं बता पाएंगे या नहीं मिल रहा है तो दो तीन दिन कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं कमेंट में मैं खुद बता दूंगा, ठीक है, नहीं होगा तो, मगर कोशिश ज़रूर करिएगा क्योंकि कोशिश करेंगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये था क्या, लिक्विडिटी असेंडिंग ऑर्डर और जितने भी रेट्स थे वो देख लिए हम लोगों ने, रेट मतलब जो भी टूल्स थे। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन इंडिया में 3 बार हुआ है। पहला हुआ है 1946 में, दूसरा हुआ है 1978 में और तीसरा हुआ है 2016 नवंबर में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और यदि क्वेश्चन में पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद डिमोनेटाइजेशन कितना हुआ है, तो 2 बार हुआ है, क्योंकि एक 1946 में हुआ है, तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा घुमा देता है। उसके बाद तीसरा है बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के बैंकर का कार्य। तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बैंकर का कार्य मतलब इसको ईजिली समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग की बैंक्स कौन हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, तो ये सारे बैंक्स क्या हैं, हमारे बैंक हैं, मतलब लोगों का बैंक है ये सारा बैंक, ठीक है। तो वैसे इन सभी बैंक जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, ये जितने भी बैंक हैं, इन सभी का बैंक कौन है, RBI है, ठीक है। तो जैसे हमको लोन चाहिए रहता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारे बैंक के पास, जहाँ भी हमारा खाता है तो वहाँ जाके लोन लेते हैं। लेकिन यदि इनको लोन लेना होगा और जो भी बाकी सर्विसेज हैं वो लेनी होगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग, RBI के पास जाएंगे। और RBI क्या करता है, सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा और कैसे बैंकिंग संचालन होगा, कितने रुपए आपको डिपॉजिट में रखने हैं RBI के पास, वो सारा चीज़ कौन देखता है, RBI करता है। मतलब सभी जितने भी बैंक्स हैं उनके पिताश्री कौन हो गए, RBI हो गए। और जितने भी बैंक्स हैं लोग, जितने भी बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक वगैरह, ये सारे लोगों का, ये सारे लोग अंतिम रूप से लोन कहाँ से लेंगे, वो लेंगे RBI से। मतलब इनको लोन प्रोवाइड सारा कौन करेगा, RBI करेगा। हमको कौन लोन प्रोवाइड करता है, ये सारे बैंक जो भी हैं, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद है जितने भी NBFCs हैं, NBFC मतलब वो बैंक्स या फिर वो संस्था जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट वगैरह खोलने का ऑप्शन वहाँ पर नहीं रहता है, बल्कि ये रहता है कि लोन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कि जैसे आप लोग TV वगैरह में देखते होंगे कि मुथूट फाइनेंस वगैरह है, मन्नापुरम गोल्ड, ये सब, ये लोग क्या करते हैं, आप गोल्ड लेके जाएंगे तो उस गोल्ड को गिरवी रख के ये लोग क्या करेंगे, एक लोन दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें कोई भी खाता वगैरह खोलना नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट इनको परमिशन ही नहीं होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए खुलते हैं NBFC। तो आगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे उसमें और इस चीज़ को क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे कि SEBI है, जो लोग वित्त का कार्य करते हैं, मतलब पैसे को रेगुलेट करते हैं, ये पैसा इधर उधर करने का काम जितना भी है, तो उन सभी संस्थाओं का खाता कहाँ पर होता है, RBI के पास होता है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ है, MP है, UP है, ये जितने भी सारे स्टेट्स हैं, इन सभी के खाते भी कहाँ होते हैं, RBI के पास होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार है उनका खाता भी तो RBI के पास होता है। तो जब भारत सरकार यदि स्टेट्स को पैसे देगी तो कैसे देगी, RBI के पास अकाउंट है तो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो यह सारा सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी अकाउंट कहाँ होता है, RBI में होता है।
स्टेट और स्टेट्स गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं कहाँ होते हैं, वो आरबीआई में होते हैं। तभी क्या होता है, वहीं से आरबीआई पैसा स्टेट्स गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते से मिलता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है और भी हैं जितने भी, उन सभी के अकाउंट्स भी होते हैं आरबीआई में। जैसे कि जब सरकार को पैसे की ज़रूरत हो या फिर सरकार भारत सरकार को क्या हो कि जब वर्ल्ड बैंक किसी भी प्रकार का क्रेडिट दे, लोन दे, तो क्या होगा, वो सारा लोन किस में आ जाता है, आरबीआई के पास अकाउंट है जो उसमें आ जाता है वर्ल्ड बैंक का अकाउंट, तो वहाँ से फिर ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये रहता है सारा सिस्टम, मतलब आरबीआई ही क्या है, पूरा मेन बैंक है सारे इंडिया का और सारे बैंक्स का, मतलब केंद्रीय बैंक इसीलिए कहा जाता है इसको, ठीक है। जितने भी लोन वगैरह मिलता है या लोन वगैरह देना है किसी देश को दूसरे करेंसीज में भी, वो सारा कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है। ये समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। मुद्रा बाजार का नियमन, मतलब जो करेंसी मार्केट है उस चीज़ को रेगुलेट को करता है कौन, आरबीआई। तो इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ पे, बैंक में, क्योंकि वहाँ पर मैं पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट और करेंसी मार्केट इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज होता है वो होता है पूंजी बाजार, और करेंसी मार्केट के अंतर्गत तो आता है सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, हुंडी वगैरह, ये सारा ट्रेजरी बिल्स, ये सारा चीज़ आता है किसमें, करेंसी मार्केट में। तो वहाँ मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें बस आपको ये एक चीज़ नोट करके रखना है कि मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, आरबीआई, वहाँ भी बताऊँगा। तो ये कुछ मैंने लिखा हुआ था, इसको मत लिखिएगा, ठीक है, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चौथा है विदेशी विनिमय बाजार का नियमन। तो आरबीआई के पास क्या होता है कि एक फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता है, मतलब एक कोष होता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है, अलग अलग करेंसीज होता है, जैसे कि युआन होता है, डॉलर होता है, और येन होता है, स्टर्लिंग होता है, पाउंड्स होता है, जितने भी सारे करेंसीज हैं अलग अलग, उन सभी को क्या करता है, इस कोष में रखता है, यानी कि रिज़र्व में रखता है। फॉरेक्स रिज़र्व कहते हैं जिसको, या FX रिज़र्व भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय कोष। तो इसमें अलग अलग करेंसीज रखता है कौन, आरबीआई, और इस फॉरेक्स रिज़र्व को मेंटेन कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। रख रहा है तो भैया ऑब्वियसली बात है मेंटेन ही कर रहा है, ठीक है। तो इस कोर्स में क्या क्या रहता है, तो जैसे मैंने ये बता दिया, और ये मैनेज भी कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि पूछता है कि फॉरेक्स रिज़र्व का को मेंटेन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। और यदि क्वेश्चन में पूछे कि मतलब इसमें कौन कौन से प्रकार के करेंसीज होते हैं, तो एक स्पेसिफिक करेंसीज नहीं होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के करेंसीज होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जहाँ पर डॉलर की करेंसी है वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हों। जैसे कि हम लोग अफगानिस्तान, ये वो मतलब अफगानिस्तान है, ईरान, ये सब जो भी कंट्रीज है छोटे छोटे, यदि यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ से जो भी पैसे आएंगे वो रुपीज़ में तो आएंगे नहीं, वहाँ उनकी करेंसी से आएगी, या फिर उन लोग इंटरनेशनल पेमेंट के लिए जो करेंसी यूज़ करते हैं उससे आएगी। वो सारा जो पेमेंट होगा वो सारा आएगा आरबीआई के फॉरेक्स रिज़र्व में, ठीक है। फिर आरबीआई क्या करेगा, उस फॉरेक्स रिज़र्व में से जो भी एक्सपोर्ट किया हुआ मेंबर था इंडिया का, उसको पैसा जितना भी बनता है वो मिल जाएगा, यानी कि करेंसी को एक्सचेंज करने का काम डॉलर से रुपीज़ में, रुपीज़ से डॉलर में जो चेंज करने का काम है वो भी कौन करती है, आरबीआई। और भुगतान करने का काम तो जैसे आयातित मैंने बताया कि, और जैसे आयात भी करते हैं, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल को हम लोगों ने क्या कर लिया, आयात कर लिया, गोल्ड को आयात कर दिया, तो हम लोग जब उनको पेमेंट करेंगे जहाँ जिस भी देश से हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है, तो उसको हम लोग रुपीज़ तो देंगे नहीं, तो हम लोग रुपीज़ में तो पेमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली आरबीआई क्या करता है, रुपीज़ को रख लेता है और उनको जो भी कंट्रीज है जिनको देना है उनको डॉलर्स में पेमेंट करता है। और वो पेमेंट कहाँ से होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व यानी कि विदेशी विनिमय कोष में जितने भी पैसे रखे हुए हैं आरबीआई के पास उसमें से करता है आरबीआई, ठीक है। और यदि किसी से ऋण लेना है, मतलब ऋण लिया हुआ था पहले, जैसे कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ उसमें भारत ने क्या किया, लोन लिया था, तो उसका रीपेमेंट कहाँ से हुआ होगा, यहीं से फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से हुआ रीपेमेंट, मतलब पेमेंट दिया वर्ल्ड बैंक को, IMF को, जो भी है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी को ऋण देता है, जैसे कोई छोटे देश है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जितने भी कोई देश हैं, यदि भारत किसी को लोन देता है तो किस में देगा, डॉलर में देगा, पाउंड में देगा, तो जो भी करेंसी अवेलेबल है और सामने वाले को चाहिए, या फिर जो करेंसी प्रिफर करते हैं वो लेने वाले लोन, तो उस करेंसी में इसी फॉरेक्स रिज़र्व से क्या करेगा, आरबीआई उनको दे देगा, लेकिन सरकार से पूछने के बाद, ठीक है।
तो ये विनिमय दर का भी प्रबंधन करता है आरबीआई। विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट की, मतलब एक डॉलर में कितना रुपीस होना चाहिए, 65 रुपीस, 72 रुपीस, 70 रुपीस, ठीक है, एक डॉलर में कितना होता है, इस चीज़ को ये मैनेज बस करता है, ठीक है, इसको तय नहीं करता है। तय करना होता है कि मतलब एक डॉलर 65 रुपये होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आरबीआई क्या करता है, मैनेज करता है, क्योंकि आजकल जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, ऐसे मेथड्स का यूज़ करेगा जिससे ये एक डॉलर इजिकल टू 65 रुपीज़ हो। जैसे कम हो गया, यानी कि एक डॉलर इजिकल टू 70 रुपीज़ में चला गया, तो क्या करेगा, कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करेगा जिससे क्या हो जाए, 65 वापस से 70 रुपीज़ से 65 रुपीज़ हो जाए। तो ये सारा प्रबंधन कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी स्लाइड से जनरेट होंगे, तो जितने भी एस्पेक्ट्स थे मैंने बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा और बुक ज़रूर रिफ़र करिएगा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं एक्सप्लेन करते समय, है ना। ज़्यादा रिलाय मत करिएगा ये वीडियोज़ वगैरह में, हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे कोई भी वीडियोज़ हो उसको एज अ बैकअप ही यूज़ करिएगा, ठीक है, प्राइमरी कभी मत बनाइएगा। पाँचवा है वित्त प्रणाली का विस्तार एवं आधुनिकीकरण। तो क्या है वित्त प्रणाली का विस्तार, वित्त प्रणाली का विस्तार मतलब बैंकिंग जो प्रोसेस है या फिर बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें अधिक से अधिक लोगों को क्या करना, शामिल करना, यानी कि बैंक का विस्तार जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों तक हो जाए। तो ऐसी क्या करना, सुविधाएं करना, ऐसी आधुनिकीकरण करना, इनोवेटिव ऐप्स वगैरह लेके आना, अलग अलग प्रकार के बैंकिंग लेके आना, नए प्रकार के बैंक खोलना, वो सारा चीज़ आता है। तो एक एक करके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे न्यू बैंक, नए बैंकों को क्या करेगा आरबीआई, लाइसेंस देगा, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, महिला बैंक को क्या दिया, लाइसेंस दिया, पहले प्रिंसिपल लाइसेंस दिया 3 साल के लिए, फिर अब परमानेंट लाइसेंस भी दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा है नए प्रकार के बैंक को चालू करना, ठीक है। तो स्मॉल बैंक्स है, जैसे पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक का एग्जांपल है ये, जैसे पेटीएम वगैरह में आज देखते होंगे आप लोग कि मतलब कुछ सर्टन अमाउंट तक फ्री रहता है, उसके बाद ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करना है तो क्या केवाईसी नॉर्म्स वगैरह भरना होता है, ताकि आप परमानेंट क्या कर सकें, पेमेंट के लिए उस ऑप्शन का यूज़ कर सकें। और स्मॉल बैंक्स में मतलब छोटे डिपॉजिट्स अमाउंट वगैरह लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके का बैंक है, और भी कई सारे बैंक हैं। तो लेटेस्ट एग्जांपल जितना भी हो सके मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद है जनधन अकाउंट, जो भी है जनधन अकाउंट वाला कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 में। फिर आजकल क्या हो रहा है, अकाउंट ओपनिंग योर फ़ोन हो जाता है, मतलब अकाउंट देखते होंगे आप टीवी में ऐड कि मतलब फ़ोन से ही अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। तो ये सब सुविधाएं लेके आ रहा है, जीरो नो फ्रिल अकाउंट है, जीरो फी अकाउंट है, ठीक है। और प्राथमिकता ऋणदान क्षेत्र, इस चीज़ को याद रखना है कि मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में कि 40% क्या होता है जो NDTL का 40% वो रिजर्व रहता है लोन देने के लिए किसको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे सोशल वीक सेक्शन है और एग्रीकल्चर एजुकेशन में, ठीक है, वहाँ बताया हूँ उस चीज़ को क्या करना है, देख लेना अच्छे से। उसके बाद एक कियोस्क बैंकिंग है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को सस्ते लोन देना, किसान क्रेडिट कार्ड है। फिर एक है लीड बैंकिंग। तो लीड बैंकिंग क्या होता है, जैसे किसी क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम का एक्सपांसन कम है, मान के चलिए किसी क्षेत्र में, ज़िले में 4-5 ही बैंक हैं, तो क्या होगा, उन 4-5 बैंकों में से एक बैंक को लीड करने के लिए क्या बना दिया जाएगा, हेड बना दिया जाएगा, कि आप लोग कैसे करके अपने बैंकिंग सिस्टम को क्या करें, एक्सपांड करें उन सभी एरिया में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग के अंतर्गत लेकर आएँ। तो वो क्या करेगा, लीड करेगा एक बैंक, और अलग अलग बैंक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैंक हो। जैसे एक्सिस बैंक है कहीं, IDFC है, HDFC है, तो उन जो 2-3 बैंक है उनमें से एक बैंक को लीड बैंकिंग बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करना। वित्तीय नवाचार मतलब कुछ नए टाइप के जो इनोवेशन चल रहे हैं आजकल, जैसे कि भारत QR कोड, भारत पे, ठीक है ना, कुछ कोड, मतलब भारत QR कोड देखा होगा आपने, एक बार कोड टाइप का होता है, उसमें स्कैन करते ही पेमेंट हो जाता है। फिर कैशलेस इकोनॉमी है, फिर अकाउंट ओपनिंग तो मैंने बता दिया वो है, फिर नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, SMS बैंकिंग, फिर ऐप से आजकल क्या हो जाता है, मनी ट्रांसफ़र एंड रिचार्ज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, वित्तीय नवाचार में आ जाता है। और आजकल फाइनेंस जो हो रहा है वो 0% इंटरेस्ट रेट में होता है। जैसे अब अभी आ रहा दिवाली, तो दिवाली में क्या होगा कि 1 रुपये में TV ले जाएं, 1 रुपये में फ्रिज ले जाएं, तो क्या होता है उसमें 0% इंटरेस्ट रेट होता है। तो इससे क्या हो रहा है, सभी धीरे धीरे बैंकिंग क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, और ये क्या है, एक नया इनोवेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। और ई वैलेट्स आप देखते होंगे, बहुत सारे ई वैलेट्स हैं, जियो वैलेट है, और भी कई ई वैलेट्स हैं, तो ये सारा आप
क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको ऐसे नए एग्जाम्पल देना है कभी भी, ठीक है, पुराने नहीं देना है, वो सब कोई काम का नहीं है। ये पुराने मतलब ये नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ये सब पुराने एग्जाम्पल हैं। नए बैंकिंग ये हैं, भारत QR कोड, ई वैलेट, ये सब सारा चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, अन्य क्या क्या है RBI के कार्य। तो पहला है मौद्रिक एवं वित्तीय तथ्यों का संग्रहण तथा प्रकाशन। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है RBI, है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिपोर्ट है यानी कि 2 मंथ में रिपोर्ट का प्रकाशन करती है RBI। तो ऐसे बहुत सारे प्रकाशन भी करती है, रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करती है, और कई बार कैंपेन वगैरह भी चलाती है, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह जो भी इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, हैंडबुक्स हैं, या फिर RBI अपनी खुद की भी कोई हैंडबुक वगैरह प्रकाशित करती है, तो वो सारा चीज़ प्रकाशन में आ जाता है। तो ये एग्जांपल है, बाई मंथली क्या करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और इसके बाद है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी है एक, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, अन्य कार्य में विकास की मुख्य धारा से वंचित सामाजिक उत्पादन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम बनाना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कई बार लेके आता है, कई बार डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स, मतलब कि लोगों को कैसे डिजिटली साक्षर बनाया जाए। अभी भी आप देखते होंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, कई पेरेंट्स उनको अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता, पेमेंट करना नहीं आता, तो ये सारा चीज़ डिजिटल लिटरेसी में आ जाता है कि मतलब उनको कैसे जागरूक बनाया जाए। तो ये हो गए सारे जितने भी RBI के क्या थे, कार्य थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या लिखी नहीं है, ठीक है, बताया है, तो उसको कोशिश करें कि बुक से क्या कर लें, एक बार पढ़ लें और नोट्स बना लें। और वो नहीं बनाना चाहते हैं तो ये RBI की वेबसाइट से मैंने उनका मुख्य कार्य जो है, वो मुख्य फंक्शन, मेन फंक्शन जो है, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसको आप नोट्स बना लें। वो भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, या फिर दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मुद्रा निर्गमन, मुद्रा भंडारण जिसमें आपको क्या करना है, और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कमेंट करना है, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के बैंकर के रूप में कार्य करता है कौन, RBI, सारे खाते जितने भी होते हैं वो सारा कहाँ होता है, RBI में होता है। मुद्रा बाजार को मैं अगले वाले बैंक वाले सेक्शन में बताऊंगा कि क्या है मुद्रा बाजार, और उसको रेगुलेट RBI करती है। विदेशी विनिमय बाजार का विनियमन कौन करता है, नियमन कौन करता है, RBI करता है, डॉलर वाला जो मैंने बताया आपको। मौद्रिक एवं वित्तीय तथ्यों का संग्रहण एवं प्रकाशन, रिपोर्ट्स जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मौद्रिक नीति का जो रिपोर्ट है बाई मंथली जो आता है, तो वो सारा चीज़ है। उसके बाद है वित्त प्रणाली का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, मतलब नए इनोवेशन को लेकर आना, वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करना, तो इसमें ये एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में आप लिख के रख दिया है, नो फ्रिल अकाउंट, ओम्स बट्समैन। तो ओम्स बट्समैन नहीं बताया, ओम्स बट्समैन ऐसा होता है कि मतलब बैंक में एक ऐसा अधिकारी होता है, जितने भी कंज्यूमर है उस बैंक के, उनको यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है उस बैंक के संबंध में, तो डायरेक्ट ओम्स बट्समैन को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि बैंक हमारे साथ ये कार्य कर रहा है, अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, जो भी शिकायत है, तो वो देखता है कौन, ओम्स बट्समैन जो अधिकारी है वो देखता है। तो ये है कि मतलब ये समझ लीजिए कस्टमर केयर है उस बैंक का, जो उस बैंक में ही रहता है, ये RBI की तरफ से अपॉइंट होता है, मतलब RBI मैंडेटरी करके रखा है कि हर बैंक में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस कार्य को करेगा, ठीक है। और इसके पास जो भी आवेदन होंगे उसको रिजॉल्व करना बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया रिविज़न। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबाओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। ये वीडियो नहीं लाने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।